हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है, जैसे लास्ट टाइम में मैं बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिकल जो इंटरव्यू होता है टेक्नीशियन का या टीम लीडर या फोरमैन सुपरवाइज़र, ऐसे साइड इंजीनियर का भी, सही है? तो इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि आपको जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टमेटिक है, कौन सा सिस्टमेटिक में हमारा बिल्डिंग में पावर आता है और कौन सा सिस्टमेटिक में हमारा डाइग्राम पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग में चलता है, सही है? तो उसके ऊपर एक छोटा वीडियो में अभी आप लोग को बता के दिखाऊंगा कि जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से लेकर हमारा जो लावा बिल्डिंग के अंदर जो अपार्टमेंट है, कुछ फ्लैट है, कुछ बिल्ला है या कुछ जो भी रूम है, उसका लास्ट पावर पॉइंट तक किस किस स्टेज पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो उसका एक डायग्राम छोटा सा मैं बना के आप लोग को अभी समझाऊंगा। जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर से लेकर लास्ट पावर पॉइंट तक क्या क्या बीच में आता है, उसका डायग्राम बताओ, आपको ऐसे करना है जैसे मैं अभी आप लोग करके दिखा रहा हूँ, सही है? तो वीडियो को लास्ट तक फुल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना होगा उतना अपना दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगता है तो, सही है? तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा व्हाइट बोर्ड और इसमें देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि पहले जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, मैं इधर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जैसे ऐसे आपको पेपर में एक बनाने का, वो इंटरव्यूअर आपको एक पेपर और एक पेन देगा आपको ऐसे डायग्राम बनाने का, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। आपको मालूम है ये जो ट्रांसफार्मर का जो इन है, ये हमारा म्यूनसिपैलिटी देवा का पावर होता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्डिंग का लोड का हिसाब से इधर वोल्टेज आता है कि इधर 33 kV है और कहीं कहीं जगह पे भी आता है लोड के हिसाब से 11 kV, सही है? तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है इसका। इसका जो आउटर है, जो हमारा प्राइमरी है, ये आपको मालूम होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, ये हमारा इन और आउट, हमारा ये प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में हमारा ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये कोई भी वोल्टेज इधर आए, जैसे 33 kV हो या 11 kV, इधर हमको चला जाता है, इधर जो बना जाता है, स्टेप अप कर देता है, ये हमारा जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, इधर ज़्यादा तरफ 1500 kVA, सही है? मतलब 1500 kVA का ट्रांसफार्मर यूएई में ज़्यादा, हर बिल्डिंग में ज़्यादा तरफ यही लगता है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा स्टेप डाउन है, जैसे हमारा ज़्यादा वोल्टेज इधर आएगा तो ये स्टेप डाउन होकर हमारा 440 वोल्ट, आप लोगों को मालूम है थ्री फेज जो आता है 440 या हमारा 415 वोल्ट, ये हमारा स्टेप डाउन करके बिल्डिंग के अंदर सप्लाई देता है। तो हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर से लेकर लास्ट पावर पॉइंट, इधर देख के इधर एक मैं बनाता हूँ, ये हमारा पावर सर्किट हो गया, सही है? ये सिंगल सर्किट हो गया या डबल सर्किट भी हो गया, जो भी है आपको ऐसे बताएगा कि इसका बीच में आपको क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ से पहले हमारा आएगा ट्रांसफार्मर, उसका बाद आएगा हमारा MDV, LB रूम जो होता है हमारा, LB रूम के अंदर हमारा बड़ा जो पैनल होता है उसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलता है, MDB, सही है? इसमें हमारा क्या आता है, ए सी बी ब्रेकर और इसमें इसका कैपेसिटी बिल्डिंग का लोड का हिसाब से होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आएगा आपको इसका हिसाब से इसका ब्रेकर आएगा 3200 एम्पियर का, 3200 मतलब 3200 एम्पियर का इधर ACB आएगा। वो कितना सारा आएगा एक नहीं है, मतलब मैं DB का हिसाब से आपको बताएगा तो इधर MDB आएगा, MDB का बाद हमारा SMDB आएगा। SMDB में क्या होगा, मेन जो MCCB, इसमें सिर्फ MCCB आएगा, सही है? इसमें इंडिविजुअल सर्किट नहीं आएगा, कहीं जगह पे आपको आइसोलेटर लग रहा है या कोई पैनल लग रहा है, DB लग रहा है, तो यहाँ से आपका केबल उसमें जाएगा, यहाँ से सप्लाई उसमें जाएगा। तो यहाँ इसका बाद में क्या आएगा, हमारा एक DB आएगा, ये जो DB है मैं इधर अच्छा से लिख देता हूँ DB, ये हमारा SMDB मतलब सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ओके? और ये हो गया हमारा MDB मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, ओके? तो यही है डायग्राम, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और लास्ट जो पावर पॉइंट दिया, कहीं कहीं जगह पे लास्ट पावर पॉइंट हमारा पावर सॉकेट हो सकता है या हमारा रूम का अंदर में जो लाइट स्विच होता है उसका स्विच पॉइंट भी होता है, सही है? लेकिन ये जो पावर पॉइंट दिया इसमें आप ये बना सकता है, कहीं कहीं बिल्डिंग में हमारा जो DB होता है, एक पावर
और एक हमारा लाइटिंग डीबी होता है। तो पावर डीबी के लिए क्या होता है, सिर्फ पावर पॉइंट के लिए हमारा पावर सप्लाई जाएगा, लाइटिंग डीबी में सिर्फ हमारा जो लाइटिंग सर्किट होगा वही आएगा, सही है। तो ये कहीं की जगह पे भी एक ही डीबी के अंदर पावर और लाइटिंग दोनों सर्किट आता है, दोनों पावर इसमें आता है। तो ये हमारा पावर हो गया, आपको यहाँ से डीबी से एक सर्किट आया, डीबी से हमारा एक सर्किट आया ये सर्किट में, ये सर्किट के बाद इधर लूपिंग चला गया। तो हमको तीन सर्किट से ज़्यादा हो गया, चार या पाँच हो गया, जैसे ये एक हो गया, इसमें दो हो गया, ये डबल सर्किट है, उसके बाद हमारा रिंग सर्किट हो जाए, जो भी है नॉर्मल सिंगल सर्किट हो या रिंग सर्किट हो, हमारा ये डीबी से इधर जाएगा, ये हमारा लास्ट पावर पॉइंट हो गया। आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर से लेकर आपका स्विच, लास्ट जो स्विच पॉइंट या आपका पावर सर्किट पॉइंट होगा उसका डायग्राम बनाने के लिए, तो आप ऐसा एक पेपर में बना के दिखाने का, ये ट्रांसफार्मर है, उसका बाद एमडी भी है, और उसका बाद हमारा एसएमडी भी है, और उसका बाद हमारा डीबी है, सही है, और उसके बाद हमारा पावर पॉइंट, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट एक ही डीबी के अंदर पावर लाइटिंग होगा, तो फिर आपको एक लाइटिंग सर्किट स्विच इधर बना देने का कि आपका एक लाइटिंग स्विच भी हो गया और एक पावर पॉइंट भी हो गया, सही है। कहीं कहीं जगह पे दो डीबी होगा, तो ये एक डीबी हो गया पावर के लिए, इसको पावर को पी डीबी बोलता है इधर, और इसमें से और एक डीबी इधर लग जाएगा, इसको एल डीबी, एल डी बी मतलब सिर्फ लाइटिंग सर्किट आएगा, सही है। तो ये जो एस एम डी बी है इसमें एक एम सी सी बी से इधर चला जाएगा, वो कैपेसिटी उसका 100 एम्पियर होगा या 125 एम्पियर होगा जो भी है, तो उसका हिसाब से जो शेड्यूल में हमारा रहेगा एस एल डी में रहेगा उसका हिसाब से इधर पूरा एक्सेसरी से आएगा, केबल का साइज आएगा, एक दूसरा जगह जाने के लिए जो हमारा आर्मर वाला केबल जाता है उसका केबल का साइज भी होता है, वो हिसाब से हमारा एस एल डी में जैसे दिखाया होगा ऐसे होगा। लेकिन आप लोग को वो सब लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पूछा गया था आपको ये करना है, और उसके बाद आपको बोला जाएगा तो थोड़ा मोड़ा मतलब जो कॉमन होता है ये हिसाब से आपको लिख देने का। इधर हमारा 33 केबी आया, उसका बाद 440 हो गया, और इसके बाद हमारा फिर जो एम डी बी है, एम डी बी से हमारा इधर 100 एम्पियर का एम सी सी बी इसके अंदर आता है, 100 एम्पियर का, कई कई जगह पे 80 एम्पियर का ऐसा आता है, इसके अंदर बहुत सारा एम सी सी बी होगा, क्यों, एक एस एम डी बी से चार पाँच डी बी को जाएगा पावर, तो हर एक डी बी का जो इनकमर होगा वो जितना हमारा एस एल डी में होगा कैपेसिटी उसका, उतना कैपेसिटी का इधर एम सी सी बी लगेगा, सही है। तो उसके बाद डी बी में चला गया, तो डी बी का जो आउटर होता है उसका जो एम सी सी बी होता है कई जगह पे 16 एम्पियर का होता है, कई जगह पे 20 एम्पियर होता है, और कई जगह पे 32 एम्पियर होता है, सही है, और ज़्यादा लोड है तो फिर 40 एम्पियर का भी होता है। तो वो हमारा शेड्यूल और एस एल डी का हिसाब से ये सब एम सी बी ब्रेकर इसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्डिंग का लोड का हिसाब से डिजाइनर लोग उसको सिलेक्ट करता है, वो अप्रूव होता है, वो उसका बाद में वो काम होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन था आज, हमारा जो ट्रांसफार्म से लेकर पावर पॉइंट तक, आपको मैं पावर पॉइंट तक बताने का साथ साथ में फिर आपको लाइट पॉइंट भी मैं बता दिया, कभी भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही करके देखा देगा तो वो आपका इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा, सही है। यही छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को ये समझाने के लिए कोशिश किया, जो भी नया इलेक्ट्रिशियन लोग है आप लोग को यहाँ का सिस्टमेटिक मालूम नहीं होता है, जो फ्रेशर आदमी है अपना मुल्क में अलग हिसाब से काम करता है, अपना अपना मुल्क में तो आप लोग देखा होगा जो डीबी आता है सीधा हमारा उसमें ग्लाइंडिंग भी नहीं करता है, जो हमारा ब्रास का ग्लैंड आता है, कॉपर का ग्लैंड आता है, वो ग्लाइंडिंग नहीं करके डायरेक्ट पीजी ग्लैंड पीवीसी ग्लैंड के साथ केबल को घुसा देता है या ऐसे ही डीबी के अंदर होल मार के घुसा देता है। तो ऐसा डुप्लीकेट काम यहाँ नहीं होता है, यहाँ हर चीज़ हिसाब से काम होता है। पहले हम लोग क्या काम करेगा वो पहले से हमारा अप्रूव हो गए वो ड्राइंग आएगा उसका हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, सही है। तो चलिए ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके बताइए, और चैनल आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो आगे और कौन सा टॉपिक का मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो आपको मिल जाएगा, सही है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।